अब भारत में भी 100% परफेक्ट नी रिप्लेसमेंट होने लगा है। ऐसी नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज के बाद होने वाली परेशानियों से बहुत हद तक बचा जा सकता है और घुटने की उम्र भी इस सर्जरी में बढ़ जाती है। भारतीय लाइफस्टाइल रोगों में से एक है घुटने खराब होना। भारतीय मेडिकल जगत ने इस चुनौती को स्वीकार किया और धीरे धीरे घुटने बदलने की तकनीक को 100% परफेक्ट कर दिया। इसे पेशेंट स्पेसिफिक नी ट्रांसप्लांट तकनीक कहते हैं। पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन एक नई नी रिप्लेसमेंट करने की तकनीक है जिसके अंदर हर पेशेंट के घुटने के शेप और साइज और अलाइनमेंट के अनुसार इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं ऑपरेशन के पहले, और वो सीटी स्कैन कर बनते हैं कंप्यूटर एनालिसिस के द्वारा। इससे जो ऑपरेशन करने में ह्यूमन एरर होने की पॉसिबिलिटी होती है 5-10% केसेस में, वो अवॉइड की जा सकती है और परफेक्ट अलाइनमेंट घुटने का दिया जा सकता है पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट के बाद, जिससे कि घुटने की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब वो आराम से 20-25-30 साल चल सकते हैं, उसका फंक्शनल आउटकम बेटर होता है। ऑपरेशन करने में जो ऑपरेशन के बाद दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है वो बहुत कम हो जाती है। इस तरह से इस टेक्निक के अलाइनमेंट ज़्यादा एक्यूरेट देने की बजाय और भी कई फायदे हैं जो कि पेशेंट की रिकवरी में बहुत हेल्प करते हैं। ये विधि पुरानी विधि से पूरी तरह अलग है। पहले की जो तकनीक होती थी वो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन किए जाते थे, जिसके अंदर एक स्टील की बड़ी रॉड थाई बोन के बोन मैरो के अंदर कैनाल के अंदर इंसर्ट करी जाती थी और उसके ऊपर बेस्ड जिग्स लगाकर बोन को काटा जाता था। उसके अंदर एक तो बोन के अंदर छेद कर रॉड डालने में कई बार फैट एम्बोलिज्म और ब्लीडिंग के बहुत चांसेस होते थे, वो इसके अंदर टोटली अवॉइड करे जा सकते हैं। और दूसरा जो अलाइनमेंट एरर जो कि सर्जन की एजम्पशन के ऊपर बेस्ड थी वो इसके अंदर इम्प्रूव हो जाती, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेशन के पहले ही सारा एनालिसिस कर लेता है और आपको ये इस तरह की जिग्स बना कर देता है जो कि आप ऑपरेशन के दौरान मरीज के बोन्स के ऊपर रखते हैं और उसके अनुसार आराम से उस बोन को काट सकते हैं। तो उसमें ह्यूमन एरर भी कम होती है, कई सारी सर्जिकल स्टेप्स नहीं करनी पड़ती, टिश्यू ट्रॉमा भी कम होता है। इस विधि से ऑपरेशन के बाद मरीज को बहुत जल्दी डिस्चार्ज किया जाता है, इसीलिए इसमें खर्च भी कम होता है। जो टर्नओवर टाइम था ये ब्लॉक्स बनने का जो 6-8 हफ्ते का था वो रिड्यूस होकर अब 4-5 दिन का रह गया है। तो मरीज को ज़्यादा लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता और इसकी कॉस्ट भी 1/3 रह गई है, जो कि पहले ये जिग 75-80 हज़ार रुपये में बनती थी, अब वो 20-25 हज़ार रुपये के अंदर इंडिया में अवेलेबल हो जाती है। इस विधि के आ जाने से बदला हुआ घुटना जल्द तैयार हो जाता है।